आज की वीडियो सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि आप कैसे 2022 में नेशनल डिफेंस एकेडमी मैथमेटिक्स रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सभी डिफेंस एग्जाम्स में एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है। इसकी डिफिकल्टी टाइम के साथ जेईई मेंस एग्जामिनेशन के इक्वल हो रही है। एनडीए मैथ्स पेपर कम्प्लीटली 11th एंड 12th क्लास के सिलेबस पर बेस्ड है। एनडीए मैथ्स पेपर एनालिसिस, मैथ्स पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें करीब 27 क्वेश्चंस अलजेब्रा से, 22 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से, 15 फ्रॉम 2 एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, 12 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस, 12 फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, 7 क्वेश्चंस फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा एंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। चार्ट से ये साफ देखा जा सकता है कि पेपर में बस अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का कंट्रीब्यूशन अराउंड 40% है, जिसके बाद 2D एंड 3D जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 25% कंट्रीब्यूट करते हैं, और बचे हुए सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिलकर 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए ये काफी जरूरी है कि आपकी इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर अच्छी कमांड हो। बाकी एनडीए मैथ्स पेपर में चैप्टर वाइज वेटेज को देखेंगे तो हर इंडिविजुअल चैप्टर्स में से करीब इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जानना ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी मैथ्स पेपर को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको हर चैप्टर के फंडामेंटल्स प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर करने होंगे। चैप्टर फॉर्मूले, ट्रिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर होने के बाद ही आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर मूव करना चाहिए। प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल में डिवाइडेड होनी चाहिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स पर कॉन्फिडेंट होते जाओ। UPSC NDA मैथ्स पेपर में मिक्स डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछती है, जिसमें 30% क्वेश्चंस बेसिक डिफिकल्टी या लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं, 40% क्वेश्चंस मीडियम डिफिकल्टी या लेवल 2 क्वेश्चंस होते हैं, और 30% क्वेश्चंस एक्सट्रीम डिफिकल्टी या लेवल 3 के क्वेश्चंस होते हैं। एनडीए पेपर में हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, पर उनकी डिफिकल्टी लेवल इक्वल नहीं होती है। इसलिए आप सभी को स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन के लिए आप बुक्स को भी रेफर कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट बुक्स हैव प्रेजेंटेड ब्लंट कंटेंट एंड देयर आर वेरी फ्यू बुक्स दैट फॉलो लेवल वाइज अप्रोच। परमिशन एनडीए पूरे इंडिया में इकलौती ऐसी बुक है जो 3 लेवल अप्रोच को फॉलो करती है, वही पाथफाइंडर 2 लेवल अप्रोच फॉलो करती है। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।